आज हम पढ़ने वाले हैं SMPS यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। देखो क्या आता कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एडवांसमेंट होती गई तो जो हमारी नीड है DC पावर सप्लाई की वो बढ़ती चली गई, क्योंकि उसका यूज़ होना है ICs में और डिजिटल सर्किट्स में उनका बहुत यूज़ होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के लिए जो NASA है उसने सबसे पहले डेवलप किया था एक लाइट वेट और कॉम्पैक्ट साइज का SMPS 1960s में, क्योंकि उसको यूज़ करना था उसके स्पेस व्हीकल्स के अंदर। तो इसलिए उसके बाद जो है पावर सप्लाई ये बहुत ही डिमांडेबल होती गई और ये बहुत ही पॉपुलर हो गई। लेकिन एट ए टाइम आपके अंदर क्या एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, क्योंकि जो कंट्रोलेबल DC सप्लाई है उसको ऑब्टेन किया जा सकता था फेस कंट्रोल रेक्टिफायर्स के द्वारा, तो क्यों हम SMPS के लिए गए? क्योंकि क्या होता है, जो एक AC to DC रेक्टिफायर होता है ना वो ऑपरेट करता है एट ए सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 और 60 हर्ज के ऊपर। मतलब एक AC to DC रेक्टिफायर एक 50 और 60 हर्ज पे ऑपरेट करता है, लेकिन अगर हमें DC आउटपुट में ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल रिपल चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस फिल्टर सर्किट का फिजिकली साइज रिक्वायर ज़्यादा होगा हमारा। तो इसीलिए DC पावर सप्लाई इनएफिशिएंट हो जाती है, बल्कि वो वेट हो जाता है उसके अंदर ज़्यादा। लेकिन क्या जो SMPS वो वर्क करता है जो DC चॉपर, उसको हम ऑपरेट करा के ऑन ऑफ स्विच की तरह वेरी रैपिडली एक AC रिपल फ्रिक्वेंसी राइज हो सकती है जो इजीली फिल्टर की जा सकती है LNC फिल्टर के द्वारा, जो बहुत ही स्मॉल साइज के अंदर होते हैं और लेस वेटी होते हैं। थैंक यू।